हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे साइको सोशल थ्योरी के बारे में। आज के सेशन में देखेंगे साइको सोशल थ्योरी हमारी क्या होती है, उसको किसने दिया था, उसका मेन बेसिक क्या है और उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। अब हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। साइको सोशल थ्योरी वॉज गिवन बाय एरिक्सन। हमारी जो साइको सोशल थ्योरी थी ये हमारे एरिक्सन ने दी थी, ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट है जिन्होंने थ्योरी दी थी। अगला, साइको सोशल थ्योरी ऑफ एरिक्सन कंसर्निंग साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेट्स दैट इमोशनल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब जो हमारे एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो साइको इमोशनल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। एरिक्सन के अकॉर्डिंग इमोशनल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हर इंडिविजुअल का कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, मतलब ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, ठीक है। हम देखते हैं स्टेजेस। हमारी मेनली ये 6 स्टेजेस होती हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन। ये हमारी मेनली 6 स्टेजेस होती हैं। हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे, उसमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके थ्रू ये चीज़ें डेवलप होती हैं देखते हैं, ठीक है। हम इस पिक्चर के हिसाब से भी देखते हैं, हमारा जो ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट होता है वो इन्फेंट में हम देखते हैं। ऑटोनॉमी वर्सेज सेम या डाउट वाली जो हमारी सिचुएशन है वो हमारी टॉडलर में देखने को मिलती है। इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट हमारी जो है वो प्री स्कूलर में, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियॉरिटी हमारी स्कूलर एज में, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन हमारा जो टीनेजर होते हैं उनमें, इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन हमारा यंग एडल्ट्स में हम देख सकते हैं, ठीक है। मेनली हमें इतनों से ही, मतलब इतना हम पहले देखते हैं। अगला हमारा मिडिल एज एडल्ट जो होते हैं जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन होता है। लास्ट हमारा होता है ओल्डर एडल्ट, उसमें इंटीग्रिटी वर्सेज डेस्पेयर। ये हमारा एरिक्सन ने दिया था। और जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती या एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। हम एक करके डिस्कस करेंगे सभी को। सबसे पहले स्टेज 1, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। इट इंक्लूड्स बर्थ टू 1 ईयर इन्फेंट। स्टेज 1 में हमारा ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट जो होगा इसमें हमारा बर्थ से लेके 1 ईयर तक के बच्चे आते हैं, ठीक है। इन्फेंट लर्न ट्रस्ट द एडल्ट्स, यूजुअली द पेरेंट्स केयर फॉर देम, आर सेंसिटिव टू देयर नीड्स। हमारे जो इन्फेंट्स होते हैं वो इन एडल्ट्स पे ट्रस्ट लर्न करते हैं कि कैसे ट्रस्ट करना है, स्पेशली उन पे जो उनको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जो चिल्ड्रन है अगर उसकी सारी नीड्स फुलफिल हो रही हैं, जैसे कोई बच्चा है उसकी मदर अगर उसकी सारी नीड्स को फुलफिल कर रही है तो बच्चा मदर एक ट्रस्ट रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है बच्चे और मदर के बीच में, ठीक है। अ नेगेटिव आउटकम ऑफ पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज द सेंस ऑफ मिसट्रस्ट विच डेवलप्स द बेसिक नीड्स ऑफ इन्फेंट आर नॉट मेट। हमारी इस स्टेज का एक नेगेटिव आउटकम ये है कि अगर बच्चे की बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हुई उसके डिमांड के अकॉर्डिंग तो उसमें मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा जिसकी मदर नहीं है, ठीक है, उसके लिए उसकी फैमिली ने केयर गिवर को रखा है, केयर टेकर को, और वो केयर टेकर उसको रेगुलर केयर उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उसमें मिसट्रस्ट डेवलप होगा, ठीक है। ये हमारी हो गई स्टेज 1। हम देखते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 हमारी आती है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ठीक है। इसमें हमारे आएंगे 1 to 3 years के टॉडलर। हमारे स्टेज 2 में टॉडलर्स आते हैं जिन वो इनकी एज ग्रुप होती है 1 to 3 years, ठीक है। इन्फेंट्स डेवलप फ्रॉम क्लिंगिंग डेवलप डिपेंडेंट क्रिएचर्स इनटू इंडिविजुअल विद माइंड एंड विल ऑफ देयर ओन। 3 मेजर टास्क ऑफ टॉडलर आर गेनिंग सेल्फ कंट्रोल, डेवलपिंग ऑटोनॉमी, इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस। हमारे जो टॉडलर्स होते हैं, हमारा मतलब जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो क्लिंगिंग से लेके वो पहले दूसरों पर डिपेंड होते हैं एक्टिविटीज़ के लिए, धीमे धीमे ग्रोथ के साथ साथ वो अपने आप ऊपर टोटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों से, वो टोटली अपने आप पे डिपेंड होते हैं, उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं रहता। हमारी इस स्टेज के मेनली 3 फंक्शंस होते हैं या 3 टास्क। सबसे पहला गेनिंग सेल्फ कंट्रोल, मतलब टॉडलर्स जो होते हैं वो अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करते हैं, मतलब वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला डेवलपिंग ऑटोनॉमी,
डेवलपिंग ऑटोनॉमी का मतलब है कि खुद के डिसीजंस को लेना थोड़े बहुत। अगला है इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना, जैसे कि खुद को ड्रेसअप करना, खाना खाना, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ खुद से करने लगना, ये एक अच्छी बात है। ये उनके लिए एक मेजर टास्क है स्टेज टू का टॉडलर्स के लिए। इफ़ द चाइल्ड सक्सीड्स इन डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमी ही डेवलप्स फीलिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम, बट इफ ही डिड नॉट सक्सीड ही डाउट्स हिज एबिलिटीज एंड डेवलप्स अ सेंस ऑफ साइनेस एंड शेम। जैसा कि हमने देखा, बच्चा इंडिपेंडेंसी डेवलप करता है, मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को, जो एक्टिविटीज़ जो कर सकता है अपनी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, वो खुद से करने लगता है। लेकिन इफ़ अगर कोई बच्चा वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है खुद से, वो सक्सीड नहीं हुआ उन एक्टिविटीज़ को डेवलप करने में, जो हमने तीन टास्क मेजर देखे, अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो वो बच्चा खुद की एबिलिटीज़ पे डाउट करेगा, वो दूसरों के सामने शेम फील करेगा, साइनस फील करेगा, लोगों के सामने बात करने में शर्माएगा, वो लोगों के सामने आने में शेम फील करेगा, वो खुद के ऊपर से हमेशा डाउट रहेगा, कोई भी काम करने से पहले वो अपने आप में ही डाउट फील करेगा, वो कोई भी काम करने का इनिशिएटिव ही नहीं लेगा, ठीक है। हमारी स्टेज टू का ये नेगेटिव आउटकम है। अगला हम देखते हैं स्टेज थ्री, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें हमारे आते हैं 3 से 6 ईयर्स के बच्चे, जिनको हम प्री स्कूलर भी बोलते हैं। इस स्टेज में हम हमारा जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाला जो फेज़ है, ये हम 3 से 6 ईयर्स के बच्चों में देखते हैं मेनली। दिस इज़ अ पीरियड ऑफ वेरी एनर्जेटिक प्ले एंड एक्टिव इमेजिनेशन। हमारा जो ये एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उन्हें दिन भर खेलना ज़्यादा पसंद होता है, उनमें जो इमेजिनेशन पावर होती है बहुत ज़्यादा, इमेजिनेशन मतलब वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं बच्चे इस एज ग्रुप के। द चाइल्ड कैन डेवलप अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड सेटिस्फैक्शन इन हज और हर एक्टिविटीज़। अगर चाइल्ड के जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर वो टोटली उन्हें कर पा रहा है, तो उसे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब जो भी चीज़ें वो करना चाहता है, अगर वो उनको टोटली कंप्लीट कर पा रहा है उन टास्क को, तो वो खुद को उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक उन्हें अच्छी फीलिंग होती है खुद के। एज द चाइल्ड ओवर स्टेप्स हिज और हर लिमिट्स ही और शी एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ गिल्ट। मतलब जैसे उस एज ग्रुप जो हमारे प्री स्कूलर बच्चे हैं, अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी जो वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं नॉर्मली अपनी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो उनमें एक गिल्ट की फीलिंग आ जाती है कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज़ है, कोई एक्टिविटी है जो उन्हें कर लेना चाहिए था, बट वो नहीं कर पाए, तो वहाँ पे उन्हें में एक गिल्ट की फीलिंग आ जाती है, ठीक है। अगला है स्टेज फोर। स्टेज फोर में हमारा आ जाएगा इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी। इट इंक्लूड 6 to 12 ईयर्स स्कूल एज चाइल्ड। हमारा जो स्टेज फोर में, हमारे यहाँ 6 to 12 ईयर्स के बच्चे आ जाते हैं, उन्हें हम स्कूल एज चाइल्ड भी बोलते हैं। चिल्ड्रन इन दिस एज हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी। मतलब हमारे जो इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी होता है, मतलब खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना खुद से उनमें बहुत ज़्यादा होता है, कि वो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद पर ले पाते हैं। देयर एनर्जी इज चैनल्ड इनटू एक्टिविटीज सच एज स्कूल प्रोजेक्ट्स, स्पोर्ट्स एंड हॉबीज। और इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, उनकी एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में ले जाया जाता है, जैसे कि प्ले में, स्कूल प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड करना, हॉबीज में, ताकि उनको एक पॉजिटिव वे दिखाया जा सके, उनके फ्यूचर के लिए अच्छी है, उनकी जो एनर्जी है एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज की जा सके, जैसे कि स्पोर्ट्स में, ताकि वो स्पोर्ट में जब डेवलप करेंगे तो वो आगे जाके उनमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। दीज कॉन्क्रीट एंडेवर्स बिकम द चाइल्ड्स वर्क एंड ब्रिंग अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। इफ द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू अचीव अ सेंस ऑफ इंडस्ट्री, फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी में डेवलप। अगर बच्चों में सेंस ऑफ इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाती है, तो उनमें एक इन्फीरियोरिटी फीलिंग डेवलप हो जाती है, वो मतलब लोगों मतलब अपने जो के बच्चों से अपने आप को इन्फीरियर फीलिंग करते हैं, वो अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं, उनसे कम मानते हैं, उनसे कमज़ोर मानते हैं, ठीक है। अगला है स्टेज फाइव, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इट इंक्लूड 12 to 15 ईयर्स बिगनिंग ऑफ एडोलसेंट। हमारे यहाँ पे 12 to 15 ईयर्स के बच्चे आ जाते हैं, ये हमारा एडोलसेंट की स्टार्टिंग है। टू मेजर टास्क फॉर एडोलसेंट आर फिगरिंग आउट हु दे आर एंड वॉट इज देयर प्लेस इन द वर्ल्ड। हमारा जो 12 to 15 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उनमें मेनली दो टास्क होते हैं। सबसे पहला, वो कौन है और उनकी इस दुनिया में क्या जगह है, ठीक है। सबसे पहला क्या टास्क है कि
हु दे आर, मतलब वो कौन है, उनकी दुनिया में क्या प्लेस है, क्या पोजीशन है। ठीक, सक्सेस इन दिस पीरियड मेक्स द इंडिविजुअल वेल एडजस्टेड, स्टेबल एंड मैच्योर। अगर बच्चे अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं, अच्छे से अपने टास्क को कंप्लीट कर पा रहे हैं, सारे अच्छे से स्टडी कंप्लीट कर पा रहे हैं, अपनी हॉबीज में अच्छे से डेवलप कर पा रहे हैं, तो वो सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं, मैच्योर फील करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट एक्सपीरियंस एनी एक्टिव एक्सप्लोरेशन नॉर मेड अ कमिटमेंट टू एनी ऑक्यूपेशन डेवलप आइडेंटिटी डिफ्यूजन। मतलब वो बच्चे जो टोटली कन्फ्यूज हैं अपने फ्यूचर को लेकर, वो किसी भी चीज़ में डेवलप नहीं कर पा रहे, उनका ग्रोथ रुका हुआ है, अगर वो ना अपनी हॉबीज पे फोकस कर पा रहे, ना स्पोर्ट्स में कहीं भी, ना स्टडीज में वो अच्छे हैं, तो उनमें एक आइडेंटिटी डिफ्यूजन की आ जाती है। अगर बच्चा अच्छे से पढ़ रहा, अच्छे से ग्रोथ हो रही है, उसे अपनी पोजीशन मालूम है कि हाँ वो उसकी क्या पोजीशन है, उसकी फैमिली में, उसकी वर्ल्ड में उसकी क्या पोजीशन है, तो वो अच्छे से अपनी आइडेंटिटी पहचानता है कि हाँ उसकी क्या आइडेंटिटी है। अगला है स्टेज 6, इंटीमेसी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन। इट इंक्लूड्स लेट एडोलसेंस। इन दिस स्टेज द एडोलसेंट फोकस ऑन फॉर्मिंग इंटीमेट रिलेशनशिप विद अदर्स, दे डेवलप अ सेंस ऑफ इंटीमेसी विद पीयर्स। मतलब इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं लेट एडोलसेंस के, वो दूसरों के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, और मतलब अपने पीयर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में उनकी एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इफ अगर वो फेल हो जाते हैं रिलेशनशिप फॉर्म करने में, कि इंटीमेट रिलेशनशिप को फॉर्म करने में, तो उनमें आइसोलेशन वाली फीलिंग आ जाती है। ठीक है, सेल्फ एब्जॉर्प्शन में एक आइसोलेशन की फीलिंग आती है, वो अपने आप को अकेला मानते हैं। ठीक है, आज के सेशन में हमने 6 स्टेजेस को देखा एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी। ठीक है, अब आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।